बनने वाला नहीं बनने वाला, देश की जनता को, हिंदुओं को भ्रम में मत रखिए। आपके पेट में एक है और आपके होठों में एक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा, इस देश के 100 करोड़ जनता को बताना पड़ेगा कि राम मंदिर कब बनने वाला है। और नहीं बनने वाला तो ये बताइए कि हम नहीं बना सकते, ये हमारा अपयश है। यही पूछने, यही बताने के लिए उद्धव जी, शिवसेना का नारा है कि पहले मंदिर फिर सरकार। अगर अध्यादेश नहीं आता है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो क्या चुनाव में, अगले चुनाव में आप लोग साथ? चुनाव में किस तरह का निर्णय लेना ये सब हमारे पक्ष प्रमुख डिसाइड करेंगे। माननीय उद्धव जी पूरे देश के हिंदू की तरफ से दबाव सरकार में निर्माण कर रहे हैं, सरकार को जिस चीज़ का भूल पड़ गई थी उसे याद दिला रहे हैं। और माननीय उद्धव जी के जाहिर करती है, आप देखिए पूरे देश में फिर 1991-92 जैसा वातावरण बन रहा है। और पूरे देश के हिंदू सरकार, मैं समझता हूँ कि देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सभा होगी वहाँ के देश की जनता पूछेगी कि बताइए मंदिर कब बनाएंगे। और यह दिन आने वाला है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा। इस देश के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अयोध्या में राम मंदिर, इसे बनाना ही पड़ेगा। ये हवा फायदा तो नहीं पहुंचा है 2019 में? देखिए ये फायदे नुकसान का विषय नहीं है। पिछले 25 सालों से राम जी जिस तरह से यहाँ रह रहे, 3 लोक के स्वामी जिस तरह त्रिपाल में रह रहे, क्या इस देश के हिंदुओं की अस्मिता का प्रश्न नहीं है? कि शिवसेना, बीजेपी सब मिले हुए हैं, सिर्फ ये चुनावी? देखिए किसे क्या लगता है, विषय नहीं है। देखिए जब अयोध्या में ढांचा गिरा था बाबरी मस्जिद का, तो इस देश में सिर्फ एक मर्द नेता था जिसने कहा था कि मेरे शिवसैनिकों ने किया तो मुझे इसका गर्व है। क्या इस देश में और कोई दूसरा नेता था जिसे कहने की ताकत थी? क्या इस देश में किसी और ने बोला? किसी ने कहा यह शर्मनाक घटना है, किसी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? लेकिन नहीं, सिर्फ एक नेता था इस देश में और उस देश के महान नेता बाला साहब ठाकरे इनके सुपुत्र यहाँ पर आए। और मुझे, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के हिंदुओं का उन्हें समर्थन मिलेगा। डेडलाइन क्या है शिवसेना की, बीजेपी को? ये सर ये सारा निर्णय उद्धव जी लेंगे। आज उन्होंने अपने यहाँ पर आके पहले शुरुआत की है और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होते तक, देखिए आप देखिए आज वैसे भी पूजा हो रही है, पूजा नहीं हो पा रही, जा रहे लोग दर्शन ले रहे हैं, वहाँ तो मस्जिद कुछ है नहीं, ना कोई नमाज पढ़ता और मस्जिद का कोई स्ट्रक्चर वहाँ बचा नहीं। क्या वापस मस्जिद की निर्मित तो वहाँ हो नहीं सकती? और जब देश के हजारों लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और इस तरह से रामलला को देखे, हमें दुख होता, हमें वेदना होती है कि हमारे भगवान को इस तरह से रखा है वहाँ पर, ये हमें कतई मंजूर नहीं। अब मंदिर बनाए बिना हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। राय जी, कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया फिर क्या करें? देखिए माननीय उद्धव जी ने कहा है कि देश के हर निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। आपने जब कई विषय पर अध्यादेश निकाल, देखिए अभी एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर भी सरकार ने अध्यादेश निकाला। देखिए दबाव निर्माण हुआ तो सरकार करती है, दबाव निर्माण होने के बाद सरकार, और जो कई निर्णय तो ऐसे थे सरकार ने जो बिना दबाव के लिए, तो जब सिर्फ राम मंदिर के लिए अध्यादेश बनाना था तो फिर 1991 में कारसेवा क्यों की? सौगंध राम की क्यों खाई थी कि मंदिर में बनाएंगे? क्यों कहा था आपने जब अच्छा नाम